उदयपुर माँ घाटा रानी मंदिर देबारी के महिला शौचालय में आज सुबह 3.5 फीट लंबा रसल वाइप आया। सुबह महिला जैसे ही शौचालय में गई तो दरवाजे के पीछे राजस्थान का सबसे जहरीला सांप रसल वाइप सांप कोने में बैठा था। इस पर शोर मचाने से काफी भीड़ एकत्रित हुई। इस पर मंदिर के भोपाजी वरदा जी और माँ घाटा रानी सेवा समिति के अध्यक्ष किशोर सिंह देवदा ने समझदारी दिखाते हुए सभी लोगों को दूर किया। इतने में राजसमंद के सर्पमित्र नवीन गहलोत माता जी के दर्शन करने पहुंचे ही थे कि उन्होंने भीड़ देखी तो वहां पहुंचकर देखा कि रसल वाइप महिला शौचालय के दरवाजे के पीछे दुबकर बैठा था। गहलोत ने सावधानी दिखाते हुए सभी लोगों को दूर किया और रसल वाइप को बाहर लाकर प्लास्टिक के डिब्बे में बंद किया और यथावत पुनः जंगल में छोड़ दिया। गहलोत ने बताया कि यहाँ उदयपुर जिला लगता है और ये एरिया इनके क्षेत्र में नहीं आता है, ना ही उनको उदयपुर में सांप पकड़ने की कोई परमिशन मिली हुई है, लेकिन लोगों की सुरक्षा के लिए उन्होंने ये जोखिम उठाया और साथ ही वहाँ के वनरक्षक ओम प्रकाश खटीक को सूचित किया तथा उसे पुनः जंगल में छोड़ा। ढक्कन दीजिए, ढक्कन बड़े देता हूँ।